भारत संविधान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बड़े भैया माननीय अखिलेश यादव जी, कार्यक्रम के हमारे अतिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र पूजनीय माननीय प्रकाश अंबेडकर जी, मंच पर सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंत अंबेडकर जी, मंच पर सम्मानित माननीय कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी, मंच पर सम्मानित हमारे गुरु माननीय छेवरनाथ कन्हैया जी, मंच पर सम्मानित माननीय सुभाषचंद्र राम साहब जी, मंच पर सम्मानित माननीय बीडी नकवी साहब जी, मंच पर सम्मानित माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर सम्मानित हमारी बहन पल्लवी पटेल जी, मंच पर सम्मानित हमारे भैया लालजी वर्मा जी, मंच पर सम्मानित हमारे सभी अतिथिगण इस कार्यक्रम में अपना अमूल समय निकालकर यहाँ उपस्थित सभी हमारे पिता तुल बुजुर्गों माताओं बहनों भाइयों आप सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन आप सबको नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। आज 26 नवंबर 2021 का पर्व दिवस संविधान दिवस हम सब मनाने के लिए आए हैं। साथियों मैं बताना चाहती हूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू किया गया। साथियों संविधान जब से लागू हुआ तब से आज तक भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। संविधान में दिया गया कानून संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में रहने वाले सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक में बराबरी का दर्जा दिया है। आप लोगों को बताना चाहती हूं साथियों कि भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबको बराबर का हक है, सबको अपनी आजादी है, सबके लिए कानून है। लेकिन आज भारत के संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से आज आरएसएस की सरकार आज बीजेपी की सरकार समाप्त करती जा रही है। मैं 2014 में जब सांसद बनकर मैं लोकसभा में गई थी एक साल मुझे लगा समझने में और जब मुझे लगा कि आरएसएस की सरकार ये बीजेपी की सरकार भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, भारत के संविधान में दिए गए कानून को ये बदलना चाहती है, उसी दिन से सदन से लेकर सड़क तक संविधान को बचाने के लिए आरक्षण को बचाने के लिए बहुजन समाज की आजादी को बचाने के लिए मैंने आवाज उठाना शुरू किया। और जब मैंने आवाज उठाया कि भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करो वरना भारत के प्रधानमंत्री जी कुर्सी खाली करो, ये मैंने लोकसभा में और इसी जगह पर मैंने आवाज उठाया था। मेरी बातों को अनसुनी किया गया। जब मेरी बातों को अनसुनी किया गया मुझे हीन भावना से देखा गया तो बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ दिया और सांसद पद छोड़ करके भारत के बहुजन की आजादी की जंग की मैंने शुरुआत कर दिया।
ये 2017 से लेकर अब तक मैं लगातार आंदोलन चला रही हूँ साथियों। मैं भारत के बहुजन की आजादी के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, समाज को जगाने के लिए मैंने सांसद पद भी छोड़ा है, बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ा है, मैंने अपना घर परिवार को छोड़ा है, अपना सब कुछ न्यौछावर करके बहुजन समाज को आजाद करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हूँ। साथियों मैं अपील करती हूँ, जागो साथी, जागो, जागो साथी, वरना सब कुछ आपके आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे अपना ईगो खत्म करो, अपना ईगो खत्म करो, अपना ईगो खत्म करके सारा भारत का बहुजन समाज एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर जो आज बीजेपी है, इनको अगर 2022 में अगर इनको सत्ता से बाहर नहीं किया तो 2022 2024 के बाद हम संविधान और बहुजन की आजादी नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके मैं बहुजन की आजादी के लिए, संविधान के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहुजन समाज और संविधान से मैं इस दुश्मन से समझौता कभी नहीं करूंगी। साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, हमारे अतिथि हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि साथियों आज जब मैं संविधान की बात करती हूँ, जब मैं आरक्षण की बात करती हूँ, जब मैं बहुजन की आजादी की बात करती हूँ, तो बीजेपी आरएसएस की सरकार पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर जो कुठाराघात होता है आप लोग YouTube के माध्यम से देखे होंगे, किस तरीके से बेरहमी से मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मेरा प्रोटोकॉल था, मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही हूँ, मैं विधायक रही हूँ, मैं सांसद रही हूँ, बावजूद इसके केवल बहुजन की आजादी के लिए, संविधान के लिए, आपकी आजादी की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। इसलिए मेरे साथ जो कृत्य किया गया वो आपके आंखों के सामने है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ साथियों, संविधान के लिए चाहे मुझे जानों की कुर्बानी देनी पड़े मैं दे दूंगी, लेकिन बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान से, इन दुश्मन से समझौता मैं कभी नहीं करूंगी। और भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज मैं इस मंच पर माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत आभारी हूँ, मैं अपने क्षेत्र की तरफ से आए हुए अतिथियों की तरफ से मैं आपको आपका आभारी हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ कि आपने एक अपनी बहन को गले लगाने का काम किया, आपने मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके 26 नवंबर 2021 के आज भारत संविधान दिवस के अवसर पर आपने मुझे टाइम दिया, अपना टाइम निकालकर, समय निकालकर काफी समय तक आप हमको हिम्मत देने के लिए हमारे साथ खड़े हुए। इसके लिए मैं अपने आई हुई जनता के तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे अतिथि माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, कार्यक्रम के अतिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी, कार्यक्रम के अतिथि मान्यवर कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी एवं सभी सम्मानित साथी, उपस्थित सभी पितातृ बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी लोग खड़े हो जाए और दाहिना हाथ आगे करके भारत के संविधान का आज हम शपथ लेंगे। हम चाहेंगे कि सभी लोग, जितने हमारे साथी आए हैं, सभी लोग खड़े होकर के अपना दाहिने हाथ अपना आगे करके शपथ लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1921 को हम शपथ लेते हैं। 1949 को हमारा भारत का संविधान स्वीकार किया गया। आज 26 नवंबर 2021 को हम शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान में दिए गए कानून के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े। हम भारत के संविधान के बदौलत आजाद हुए हैं। हम भारत के संविधान के सम्मान में बड़ी वफादारी ईमानदारी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।